Тяну сердцу. Тяну кому на горло тебя посадка. Приехали в зору, бали, да я сам на Assalamualaikum दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 8 जुलाई सन 2023 और आज हम आपको लेके जा रहे हैं बोस्तान जंक्शन। और ये रेलवे स्टेशन आपको पहले भी दिखा चुके हैं और इसकी एंट्री भी आप देख रहे हैं कि ट्रेन जो है वो उल्टी दाखिल होती है रिवर्स मोड के अंदर इस रेलवे स्टेशन पे, किसी भी साइड से आए, बेशक वो चमन से आए या कोटा से आए, तो उसकी एंट्री जो है हमेशा उल्टी होती है। आज हम आपको इंशाल्लाह बोस्तान रेलवे स्टेशन कवर करेंगे, इसका नैरो गेज का जो आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे और जो यहाँ पे वाकियात हैं नैरो गेज की वो आपको दिखाएंगे और तमाम जो रेलवे स्टेशन है वो आपको कवर करके दिखाएंगे। इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं बोस्तान जंक्शन पे। सामने आपको नैरो गेज की एंटीक कोचेस जो पिछले तकरीबन 150 साल से यहाँ पे मौजूद हैं और लावारिसों की तरह खड़ी हुई हैं, ये देख रहे हैं आप। और इंशाल्लाह आपको करीब जाके भी ये दिखाएंगे सब कोचेस और इनके मामलात भी बताएंगे। लेकिन ये अभी ट्रेन का जो आखिरी डब्बा है जिस पे मैं मौजूद हूँ वो बोस्तान जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। जो मुसाफिर हैं वो बोस्तान जंक्शन पे उतर चुके हैं और ट्रेन यहाँ पे कुछ देर रुकेगी और फिर आगे बढ़ जाएगी दोबारा चमन की तरफ। कुछ और वेंडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये भाई भी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जो है वो सेल कर रहे हैं और ये वो मशहूर कार्ड जो चावल बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तड़े माशे तकड़े तकड़े जोर तकड़े गाड़ी पखैर दे पखैर पखैर बस मैं तुम से इशू कर दी चावल का खर्चा हुआ मेहरबानी ताकि ये वार्ड मुस्ती से कहूँ गाड़ी रोजाना कहीं وانو بده غریبانم کار پر کیږي اوس باری بندر ځای ځان رسي ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو صحیح ده مهرباني سلام علیکم سلام علیکم بہن جی خان صاحب کی پشتو کی سمجھ تو مجھے آ رہی تھی پر مجھے میں خود بول نہیں سکتا ہوں سوائے ایک دو لفظوں کے وہ بھی شاید غلط ہی بولے ہوں گے تو انیشل ڈیپارچر ہارن ہو چکا ہے چمن پیسنجر کا اور یہاں سے लें जी 221 अब चमन पैसेंजर निकल गई चमन की तरफ और ये लाइव एक्टिविटी आप देख रहे हैं बोस्तान जंक्शन से, जो कि कभी बहुत ही बिजी जंक्शन रहा था पर आजकल जो है ये
शहर खामोशा बन चुका है। ये एक ही ट्रेन आती है, अप और डाउन मिला के दो ट्रेन्स, और उसके बाद ये रेलवे स्टेशन फिर सुनसान हो जाता है। तो जो प्रेजेंट एक्टिविटी थी वो आपने देख ली, अब जो पास की यहाँ पे सूरत हाल थी वो आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। नैरो गेज की कोचेज, नैरो गेज के टर्न टेबल, उसके अलावा शेड और रेलवे स्टेशन इटसेल्फ, ये आपको विजिट करवाते हैं। यानी बोस्तान जंक्शन का जो की इंटरलॉक सिस्टम है वो आप देख रहे हैं, और इसमें स्लॉट्स बनी हुई हैं डिफरेंट नैरो गेज लाइंस की। बेसिकली इनिशियली ये जो है नैरो गेज रेलवे लाइन का रेलवे स्टेशन था। इसमें आप देखें कि नंबर 4 स्लॉट जो है कि उस पर बी जी शंट फॉर पॉइंट्स नंबर K4। इस तरह बाकी भी जो है तमाम इन पे कोड्स जो हैं वो लिखे हुए। दोस्तों अभी आप मेन बिल्डिंग देख रहे हैं बोस्तान जंक्शन की। बाई रोड अगर आप आएँ कोटा से तो 30 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है बोस्तान जंक्शन, और सतह समंदर से 1566 मीटर जो है वो बुलंद है। और ये सामने वाली जो साइड है ये लीड कर रही है टूवर्ड्स हरनाई, जो कि सबसे पहले वाला रूट था सिब्बी से हरनाई और फिर बोस्तान, और बोस्तान से फिर कोयटा पहुंचने का रूट जो था ब्रिटिश एरा में बनाया गया था, और बाद में और इसी जो है सेक्शन के ऊपर छपर रिफ्ट का जो मशहूर ब्रिज है वो भी था, जिसको बाद में रोल बैक कर दिया गया इस ट्रैक को। और उसकी डिफरेंट रीज़न थी, एक तो बहुत ही टफ टेरेन थी और कुछ पॉलिटिकल रीज़न भी शामिल थी। और जो दूसरा रूट था इस साइड पे वो था जोब वाला रूट, जिसमें हिंदू बाग, कान मेहतर जई और किला सैफुल्ला के जो रेलवे स्टेशन हैं वो शामिल थे। जी सामने रिकॉर्ड रूम आपको नज़र आ रहा है इस बिल्डिंग में, और इसके बाद इंतज़ार का दर्जा अव्वल, टिकट घर और पार्सल ऑफिस, उसके बाद ये मेन एंट्रेंस जहाँ से दाखिल हुआ जाता होगा उस वक्त जब रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव था। और इसी तरह आगे जो है वो स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का के दफातर जो हैं वो मौजूद हैं। ये सामने आपको सिग्नल लेवर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, यहाँ से रेलवे लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो सेट किए जाते हैं। कुल 6 लेवर्स जो हैं मौजूद हैं। दोस्तों अभी आप स्टेशन प्लेट देख रहे हैं बोस्तान जंक्शन की, और ये हम डाउन साइड की तरफ हैं, यानी कि टूवर्ड्स हरनाई एक रूट और दूसरा रूट जो है टूवर्ड्स जोब। और अभी आपको लेके चलते हैं और वो मुकाम दिखाते हैं जहां से ट्रैक जो है वो हरनाई और दूसरी साइड पे जोब की तरफ जो है वो घूमता था। यहां पे आपको एक ये वाला प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, जबकि मेन बिल्डिंग वो पीछे नज़र आ रही है आपको। और 3 रेलवे लाइन ब्रॉड गेज की यहाँ पे बिछी हुई हैं, और ये ब्रॉड गेज की रेलवे लाइंस बाद में बिछाई गई। इनिशियली ये रेलवे स्टेशन नैरो गेज के ऊपर जो है वो बना हुआ था, और प्लेटफॉर्म के दूसरी साइड पे जो है वो नैरो गेज की रेलवे लाइंस जो हैं आज भी मौजूद हैं। यहाँ पे कुल जो है इस यार्ड में 4 लाइनें बिछी हुई नज़र आ रही हैं, और बेसिकली ये 2.5 फुट की रेल है, और सेम साइज़ जो है रेलवे लाइन का आपको मैं माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन पे भी दिखा चुका हूँ। कुछ पुराने दरख्त प्लेटफॉर्म पे आज भी मौजूद, जो कि हरे भरे तो नहीं रहे पर उनके आसार आपको नज़र आ रहे हैं। और वक्त और ज़माने की सख्ती झीलते हुए बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सेमाफोर सिग्नल जो पुराने ज़माने से यहाँ पे मौजूद है, और ये नैरो गेज की रेलवे लाइन जो आगे से
बाएं जानेब घूम रही है लेफ्ट साइड पे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जोब वैली रेलवे की जो रेलवे लाइन थी वो 1916 में बिछानी शुरू की गई और तकरीबन 1929 में ये तमाम रूट जो है वो कंप्लीट हुआ और इसकी कुल लंबाई 294 किलोमीटर थी बोस्तान जंक्शन से जोब तक। और सब कॉन्टीनेंट की ये सबसे लंबी नैरो गेज रेलवे लाइन थी। इससे लंबी रेलवे लाइन पूरे सब कॉन्टीनेंट स्पेशली इंडिया में मौजूद नहीं थी। आप देखें लकड़ी के जो स्लीपर थे उनके आसार अभी भी इस नैरो गेज रेलवे लाइन के नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। ये NWR की एक फिश प्लेट। लेकिन ये सामने आपको नैरो गेज की कोचेज जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुल 4 कोचेज हैं ये और ये दिखाते हैं पहले आपको। ये अंदर से देख लें जी। इसकी छत है, इस पे पुराना मार्क भी मौजूद है पाकिस्तान रेलवे का। इसमें गालिबन 1221 कोड लिखा हुआ है और 5 मुसाफिरों के लिए लिखा हुआ है। ये वाला कैबिन कैबिन होगा यहाँ पे, फिर छोटा सा कोई बना हुआ। ये दूसरी कोच देख रहे हैं आप जो यहाँ पे मौजूद और सियासी नारे इस पे लिख कर मिटाए भी गए हैं। तो दोस्तों असरात आप देख रहे हैं जोब वैली रेलवे के और इसके अलावा बोस्तान जंक्शन के। तो मज़ीद भी कोचेज़ हैं आगे दो, वो भी मैं दिखाता हूँ, जिसमें से एक कोच जो है वो पलटी हुई भी है। कुछ अर्सा पहले तक ये कोच जो है सीधी खड़ी हुई थी पर गुज़िश्ता दिनों आए हुए एक बहुत तेज़ तूफ़ान ने इसको पलट दिया और अभी आपको ये उल्टी भी नज़र आ रही है। जबकि साथ ही एक और कोच जो तकरीबन पलटने की कोशिश कर रही है और किसी दूसरे तूफ़ान के इंतज़ार में। और ये ब्रेक वैन है बेसिकली, या गार्ड साहब का कंपार्टमेंट भी आपको ये नज़र आ रहा है छोटा सा और पीछे ब्रेक का हिस्सा। पाकिस्तान रेलवे उर्दू में लिखा हुआ है 2 दफ़ा और इधर PR। तो ये आप अंदर से देख रहे हैं इसके असरात। तो दोस्तों नैरो गेज की कुछ कोचेज़ आपने देखी, मज़ीद भी आपको दिखाऊंगा बोस्तान जंक्शन पे। ये नैरो गेज रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, इस पे आप पुराना बना हुआ फाटक जो है गेट उसके आसार भी देख रहे हैं। तो गेट से पहले पहले नैरो गेज रेलवे लाइन मौजूद है और आगे जो है रेलवे लाइन का जो बेड है एम्बैकमेंट जो है वो मौजूद है, पर उसके ऊपर जो बिछी हुई रेलवे लाइन है वो हटा के उसके ऊपर रोड बना दिया गया है। तो बेसिकली ये रास्ता जो है वो लीड कर रहा है आगे हरनाई की तरफ और दूसरा जो रास्ता है वो लीड कर रहा था कान महतरजई और जोब की तरफ। तो दोस्तों इस जोब वैली रेलवे का जो आखिरी स्टेशन था वो था जोब, जबकि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन जो था वो था कान महतरजई जो कि तकरीबन 2225 मीटर बुलंद था समंदर से। जबकि दीगर जो रेलवे स्टेशन थे उनमें हिंदू बाग, कान महतरजई, जोब, खानाई और इसके अलावा किला सैफुल्ला के रेलवे स्टेशन जो हैं वो शामिल हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला सफ़र मैं अकेले नहीं कर रहा, मेरे साथ इब्राहिम और यूसुफ गौरी जो कि रेल फैंस हैं, कोयटा से इनका ताल्लुक है, हम इकट्ठे आए हुए हैं बोस्तान पे। तो ये साइड हमने कैप्चर कर ली और देख ली यहाँ पे कोचेज और रेलवे लाइंस भी। अभी हम चलते हैं यूसुफ दूसरी साइड पे। मैं इस कोच में बैठ के जॉब जा रहा हूँ। टिकट लिया आपने? नहीं, इसको धक्का दे के चला। इब्राहिम इनको टिकट दें पहले। सही है। अब हम आपको लेके जा रहे हैं आप साइड पे, यानी कि जो 2 साइड लीड करती हैं, एक कोयटा की तरफ और एक चमन की तरफ। और लेफ्ट साइड पे नैरो गेज की जो रेलवे लाइन देख रहे हैं वो बनी हुई है एक साइडिंग, उसका भी आपको आगे चल के दिखाता हूँ जो बाकी आते हैं इस साइडिंग की।
तो दोस्तों बेहतर है कि यहाँ के जो मुकामी हैं जो गुज़िश्ता दहाइयों से यहाँ पे मौजूद हैं उनसे हम पूछें कि ये जो साइडिंग है इनके बारे में इनके पास क्या मालूमात हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के रिहायशी मुदस्सर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? खैरियत से, ठीक ठाक। अच्छा आप मुझे बताएं कि ये जो साइडिंग है जी, ये आपने एक्टिव देखी अपने होश में या अपने जो बुज़ुर्गों से इसके बारे में कुछ सुना हो तो वो हमें कुछ बताएं उसके बारे में। मैं जब पैदा हुआ हूँ तो ये तो तकरीबन हो मैं ये बंद हो चुकी थी, 83 से पहले ये बंद हो गई थी। सही है। लेकिन बोस्तान का एक नाम है, ये एक बहुत तारीखी शहर रह चुका है। शहर में इस वजह से कहूँगा कि पहले ये जंक्शन था, कोयटा के बाद ये बलूचिस्तान का पहला स्टेशन था जो ये जंक्शन रह चुका है जी जी। और उसके बाद यहाँ लोकोचिड ये छोटी रेलगाड़ी चलती थी यहाँ जी। तो मतलब यहाँ बहुत यादगार है ये, आप देखो ये क्रूम यहाँ लाया जाता था, यहाँ से बड़ी ट्रेन में इसे लोड करके फिर पहुँचाया जाता था ये। और ये आप इधर की आबादी देखो, यहाँ बैंक हुआ करता था। सही है। यहाँ कारखाने हुए करते थे। सही है। ये बहुत आबाद और बहुत प्यारा वो था। जिसने कभी बोस्तान में वक्त गुजारा है वो अभी भी लोग आते हैं यहाँ से, पंजाब से, सिंध से, बाहर के मुल्क से भी लोग यहाँ विज़िट करने आते हैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। ये बहुत खूबसूरत एक वो रह चुका है, लेकिन अभी आप देखो उजड़ गया है, ना बिजली है या ना पानी है। लेनों का ये हाल है, चोरी हो रहे हैं डब्बे, वो गिर गए वो डब्बे, आप देखो ये हमारे कीमती असासे। अच्छा मुदस्सर साहब आप मुझे बता रहे थे यहाँ पे क्रोमाइट जो है वो लाया जाता था जी जी। क्रोमाइट के अलावा भी यहाँ पे कुछ और लोड अनलोड होता था? हाँ, कोयला लोड होता था। फिर कोयला कहाँ से आता? कोयला इशारा घरनाई ये इन इलाकों से आया करता। और इसके अलावा कोयला बंगाल से भी यहाँ कोयला। अच्छा बंगाल से भी कोयला? जी 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 जी। इतनी दूर से? हाँ हमारे चचा बताते थे बंगाल से भी कोयला आता था। सही। और फिर यहाँ पुराना बाजार बोस्तान के नाम से एक खुश्क मेवा मंडी हुआ करती थी। सही है। जो काबुल से खुश्क फ्रूट बादाम पिस्ता काजू वगैरह ये लाया करते थे, यहाँ से पैक होके फिर ये छोटी ट्रेन के जरिए जोब और हरनाई और शारक, और शारक से फिर बड़ी ट्रेन के जरिए इंडिया तक की सप्लाई हुआ करती थी। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों साइडिंग देख रहे हैं कितनी खूबसूरत साइडिंग बनी हुई है। तो अपने लफ्जों में मैं आपको बयान कर दूँ कि क्रोमाइट जो है एक बहुत ही कीमती धात यहाँ पे आके अनलोड होती थी और उसके बाद दोबारा उनको लोड करके इलाके के दीगर जो इलाका जात हैं उनमें उसको लेके जाया जाता है। आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे शटर जो हैं लगे हुए होते थे बैक साइड पे, और ऊपर से जो है वो ट्रेन ला के खड़ी की जाती थी मालगाड़ियाँ, और उनके जो लोअर पोर्शन है वो खोला जाता था और सारा जो क्रोमाइट है वो नीचे आ जाता था यहाँ पे, और फिर यहाँ सारा जमा होता था और इस बर्थ के साथ जो है वो दूसरी गाड़ी लगती थी और वो उसको लेके चली जाती थी। लें जी, 3 कोल्ड ड्रिंक्स इस गर्मी के अंदर ठंडी ठंडी हमें मिल चुकी हैं। और ये अचानक ही यहाँ पे आ गई, अचानक नहीं आई बल्कि जो यहाँ के मकामी मुदस्सर शेख साहब थे उन्होंने किसी बच्चे के ज़रिए जो सामने खड़े हुए हैं यहाँ पे भिजवा दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी मुदस्सर साहब आपका, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में और इजाफा करे। और पिएंगे आप? बिल्कुल, हम भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मुदस्सर साहब का, यहाँ के मकामी हैं और यहाँ का अखलाक, यहाँ की मोहब्बत प्यार देख कर हमें बहुत खुशी हुई। और फहीम भाई यकीनन आपको भी बहुत मजा आया। बिल्कुल भाई, मेरे लिए तो मैं मोहब्बत है बलूचिस्तान, क्योंकि आप इतनी दूर से आए। जितना बलूचिस्तान को मैंने कवर किया है शायद ही किसी ने किया हो, और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने लेंस के थ्रू जो है मैं बलूचिस्तान को पूरी दुनिया को दिखाऊं। यहाँ से आपको तमाम रेलवे यार्ड नज़र आ रहा है बोस्तान जंक्शन का, और अभी चलते हैं आगे की तरफ और आपको दूसरा जो साइड है वो चल के दिखाते हैं। सामने तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब नैरो गेज की कोचेज मौजूद हैं, इसके अलावा लोको शेड बोस्तान जंक्शन। तो आगे चलते हैं और आपको आगे चल के ये वाली कोचेज और जो लोको शेड है बोस्तान का वो दिखाते हैं। क्या अजीम दास्तान रही होगी बोस्तान जंक्शन की, और ये आप देखें अभी इसके असरात, इवन के जो अंडर ट्रक है वो भी मौजूद है इस नैरो गेज की कोच का, और ये ब्रेक सिस्टम भी नज़र आ रहा है आपको।
छत देखें। और काबिले गौर चीज़ इसमें यह है कि जो छत के ऊपर लोहे की चादर है उस पर जंग नहीं लगा हुआ, सबसे कमाल की चीज़ ये देखने को मिल रही है यहाँ पे। क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों इन नैरो गेज कोचेस का। और एक हिस्ट्री क्रिएट की थी इस सेक्शन ने, 1985 तक एक्टिव रही पैसेंजर सर्विस, जबकि 1986 तक एक्टिव रही फ्रेट सर्विस, और उसके बाद जो है इसको बंद कर दिया गया। जबकि 2008 में बोस्तान ज़ोब सेक्शन की जो रेलवे लाइन थी उसको उखाड़ लिया गया। तो बीइंग ए रेल फैन काफ़ी दुख हुआ हमें ये सब जान के। और आने वाले दिनों में एक प्रपोज लिंक जो है वो मौजूद है पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट पे भी और बुक्स में भी, जो कि ML2 से निकाला जाएगा कोटला जाम से ज़ोब तक, और ज़ोब से फिर बोस्तान तक, और ये रास्ता शॉर्ट किया जाएगा चमन और कोयटा के लिए। एक कोच के अंदर से ये PWR पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे का एक रिकॉर्ड का पेपर मिला है, जिस पे नॉट टू बी रफ शंटेड लिखा हुआ है, और इसके बैक पे कुछ और तहरीर भी है। जिसमें जो डेट मार्क है वो 1975 की है, 1975 की। तो इस किस्म की बाकियात मज़ीद भी यहाँ पे होंगी। अभी आगे चल के मैं आपको बाकी कोचेज़ भी दिखाता हूँ, पहले इस लाइन में चलते हैं। यहाँ पे एक बिल्कुल ही बेज कलर की एक कोच मौजूद है, और उसके अंदर पत्थर भर दिए गए हैं। समझ से बाहर है कि ये पत्थर कौन लेके आया है इसके अंदर। और ये देखें, इसमें एक कैबिन भी बना हुआ है, एक छोटा सा कैबिन। और सामने जो विंटेज कलर है पाकिस्तान रेलवे का, ऑफ वाइट या क्रीम कलर और ग्रीन कलर की एक और कोच मौजूद, जबकि इसके साथ एक माल गाड़ी का डिब्बा नैरो गेज का। ये कपलिंग देखें आप इनकी, ब्रेक पाइप्स, और बेज कलर का एक और कोच, पैसेंजर कोच है बेसिकली ये। अच्छा दोस्तों, आप देखें कि दो कोचेज़ जो यहाँ पे मौजूद हैं उसमें स्लीपर क्लास की कोचेज़ भी मौजूद हैं, जो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। और इसमें आप देखो, हर स्लीपर क्लास के, हर कंपार्टमेंट के अलग अलग डोर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक कोच में कुल 4 दरवाज़े हैं, इसी तरह आगे वाली कोच में। यहाँ से आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट होते होंगे अलग अलग, बीच में यहाँ पे वॉल होती होगी, और इसी तरह इस साइड पे भी 2 कंपार्टमेंट जो है वो मौजूद होंगे। ये दूसरी साइड है, इस साइड से भी अभी कोचेस देख लें। उसके अलावा एक ये बर्थ बनी हुई है, और सामने मज़ीद जो है 5 से 6 कोचेस जो हैं मौजूद हैं। ये ट्रैक जो है कदरे हाइट के ऊपर है, होपफुली यहाँ पे हो सकता है कि माल गाड़ियाँ यहाँ पे आती हों, और यहाँ से जो है वो दूसरी ट्रेन में जो माल है वो लोड करके आगे फिर लेके जाते हों। ये अभी चलते हैं हम CNW डिपो, और लोकोज़ वगैरह यहाँ पे आते होंगे, और यहाँ पे जो पीरियोडिक जो रिपेयर है वो तो नहीं होती होगी, पर ये है कि डेली जो देखभाल है वो ज़रूर करते होंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर लोको शेड नहीं लिखा हुआ, CNW डिपो जो है वो तहरीर है। दाएं जानेब जो है वो आपको ऑफिसेस नज़र आ रहे हैं, जिनको बंद किया गया है गारा लगा के। खिड़कियाँ भी मौजूद हैं पर दरवाज़े कुछ गायब कुछ मौजूद। और ये नैरो गेज लोकोमोटिव जो कि ZB क्लास के लोकोमोटिव से, उनके शेड नज़र आ रहे हैं आपको। ये पिट बनी हुई है जी, पहले आप छत देखें।
और नैरो गेज के लोकोमोटिव तो यहाँ पे मौजूद नहीं, पर ढेर सारे बकरे ज़रूर यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और पिट पे अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके अलावा बकरवाल भी मौजूद, एक फैमिली जो कि आपस में इस वक्त गुफ्तगो शनीद कर रहे हैं जी। ये दूसरी पिट है यहाँ पे, तो दो कुल जो हैं पिट्स मौजूद थी इस बोस्तान जंक्शन के CNW डिपो के अंदर, जिन्होंने ये ट्रैक बिछाया था और बनाया था। उन्होंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे ZB क्लास के लोकोमोटिव के अलावा भी कुछ जानदार जो हैं वो आएंगे और रेस्ट करेंगे और फिर यहाँ से ताज़ा दम होके आगे निकलेंगे। ये लें जी, आपने शेड देख लिया, उसके सामने एक और वर्किंग शेड मौजूद है जो कि ऑफिस हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और कदरे ऊंची इमारत मौजूद जो कि चादरों से बनाई गई है लोहे की, और हो सकता है कि ये वर्कशॉप हो। यहाँ से नज़र डालने की कोशिश करते हैं अंदर। ये स्टोर टाइप इमारत जो है लग रही है, इसके अलावा वर्कशॉप भी हो सकती है। एक और वर्किंग पिट आप देख रहे हैं जिसके ऊपर होपफुली एक हैंगिंग क्रेन जो है वो मौजूद होती होगी, या चेन के ज़रिए यहाँ पे जो है इसको लिफ्ट करते होंगे लोकोमोटिव्स को और उसके स्ट्रक्चर्स को। काफ़ी रिच हिस्ट्री है बोस्तान जंक्शन की, काफ़ी कुछ आपको दिखा चुके हैं। अभी आपको लेके चलते हैं बोस्तान जंक्शन के ऑफिसर्स रेस्ट हाउस में, वो उसके जो बाकियात हैं और किस हालत में है वो रेस्ट हाउस, वो भी आपको दिखाते हैं। ये मेन गेट है जी इसका, और रास्ता बना हुआ है और इसके दोनों साइड पे जो हैं वो अनार के दरख्त लगे हुए हैं। इन दरख्तों पे कदरे ज़्यादा अनार जो हैं वो लग चुके हैं। रेल फैन के लिए एक जन्नत से कम नहीं है जी बोस्तान जंक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले मैंने इसको एक्सप्लोर किया यूट्यूब के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो ट्रेन की एंट्री थी वो बताई कि दोनों साइड से ट्रेन जो हैं वो कैसे एंटर होती हैं, और आज भी मैं आपको लेकर यहाँ पे मौजूद हूँ। ये जी सामने रेस्ट हाउस की मेन इमारत नज़र आ रही है जिस पर कभी ब्रिटिशर्स और उसके बाद हमारे जो मकामी हैं वो ज़रूर यहाँ पे रिहाइश पजीर रहे होंगे। एक खूबसूरत सा लॉन भी यहाँ पे बना हुआ है, जबकि इधर से एक और रास्ता बनाया गया है जिसके ऊपर अंगूर की बेल जो है उसने इसको ढांप लिया है रास्ते को पूरे को। और बैक साइड पे भी काफ़ी अनार के दरख्त जो हैं मौजूद हैं। तो दोस्तों तकरीबन तमाम ही रेलवे स्टेशन बोस्तान जंक्शन का हमने कवर कर लिया। आखिरी जो यहाँ की यादगार वो आपको दिखा देते हैं, टर्न टेबल, आर्मस्ट्रॉन्ग टर्न टेबल इसको कहते हैं, या आप इसको मैनुअल टर्न टेबल भी कह सकते हैं। नैरो गेज का टर्न टेबल यहाँ मौजूद है यहाँ पे, जबकि बाद में आप देखें कि ब्रॉड गेज भी इस पर बिछाई गई। इस्तेमाल में नहीं है ये आजकल, आपको इल्म है कि ट्रेन बोस्तान जंक्शन में रिवर्स मोड में दाखिल होती है, बेशक वो चमन से आए या वो कोयटा से आए। तो इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं कहूँगा कि सब कॉन्टिनेंट या वर्ल्ड वाइड भी, ड्यूल एंट्री जो है रिवर्स मोड में वो कहीं पे भी मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ देखें आप, आपको दोनों लाइन्स जो हैं वो अलग अलग नज़र आ रही हैं, ये ब्रॉड गेज की लाइन और ये नैरो गेज की लाइन 2.5 फुटी, और इन पे ला के लोकोमोटिव्स को जो है अगर खड़ा करना होगा तो उसके लिए ये मौजूद। ये अब लेंथ देखें, इस पे जो छोटा लोकोमोटिव था ZB क्लास का
वो ला के यहाँ पे इसको खड़ा करते होंगे और टर्न करके फिर दोबारा उसको ले जाते होंगे आगे। और इसी तरह ये जो लाइन नज़र आ रही है ये शेड की तरफ से आ रही है और यहाँ से लोकोमोटिव जो है वो इस पे लाते होंगे, यहाँ से मैच करके स्टैंड टेबल की लाइन को अलाइन करके, और उसको अगर रिवर्स करना उसका एंगल तो रिवर्स करते होंगे, और अगर उसको खड़ा करना मकसूद होता होगा तो ये वाली लाइन देखें आप, नैरो गेज की लाइन है ये, और इसकी लेंथ इतनी है कि इस पे जेड बी क्लास का लोकोमोटिव आ सकता है, तो यहाँ उसको खड़ा भी कर सकते होंगे वो। ये लें जी साइड एंगल भी देख लें आप इस टर्न टेबल का, और करीब चल के मैं आपको इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेट है वो भी दिखाता हूँ कि ये कहाँ का बना हुआ है। ये लें जी ये इसकी प्लेट यहाँ पे मौजूद है, कॉमन्स शेल्डन एंड कंपनी, उसके बाद नंबर 1520 1886, इंग्लैंड का बना हुआ है जी ये, मेड इन इंग्लैंड। तो दोस्तों ये थी वीडियो बोस्तान जंक्शन की, मैंने कोशिश की कि कम से कम टाइम में आपको तमाम इलाका, तमाम रेलवे स्टेशन, इसके अलावा नैरो गेज की कोचेज और ट्रैक्स आपको दिखाऊं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस किस्म की मज़ीद वीडियोस लेके हाज़िर होते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तड़े मशे संगे संगे जोड़ तकड़े संगे। क्या कर रहे हो इधर आप? बस हम शुक्की डब्बा है ना। अच्छा ठंडी जगह है? बहुत ठंडी जगह है, इधर आके बैठते हो आप लोग हैं, एंजॉय करते हैं? एंजॉय करते हैं, हम शौक से इधर ही बैठे हैं। अच्छा बहुत अच्छा जगह है ये। सही है, बोस्तान अच्छा इलाका है ना। तो आप ट्रेन में भी सफर करते हो या नहीं? करते हो, कहाँ पे जाते हो? चमन। चमन जाते हो? ट्रेन पे चमन जाना आसान है, सस्ता है या बस पे? गाड़ी में बहुत टाइम लगता है, बहुत अच्छा सफर है। ट्रेन में अच्छा सफर है या बस में? या ट्रेन। ट्रेन में किराया किसका सस्ता है? ट्रेन। ट्रेन में सस्ता है। सही है, ट्रेन बहुत अच्छा चीज है।